हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बेसिकली कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग के बारे में कि बेसिकली किस लेवल पे या किस तरह से हम कंप्यूटर को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो वो भी हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में आपको ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। सो कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग बेसिकली तीन वे से की जाती है। इधर आपका प्रॉब्लम हार्डवेयर से हो सकता है, आपका प्रॉब्लम नेटवर्किंग से या फिर सॉफ्टवेयर से। तीसरा यानी यहाँ पर फोर्थ वे नहीं होता है गाइज। सो यहाँ पर हम सब वे निकाल सकते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर में हो तो बेसिकली किस तरह से किस सॉफ्टवेयर में यानी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में कोई प्रॉब्लम हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पर नेटवर्किंग की बात करेंगे तो नेटवर्किंग में भी हार्डवेयर डिवाइसेस में प्रॉब्लम हो या इंटायर नेटवर्क जो वायरलेस नेटवर्क है उसमें टोपोलॉजी में कहीं या फिर जो प्रोटोकॉल्स है बेसिकली डिज़ाइन किए हुए तो उस प्रोटोकॉल्स में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो। और बेसिक हार्डवेयर की बात करेंगे तो हार्डवेयर फेल्यूअर पे हमेशा आपको सिस्टम्स एरर देता है, क्योंकि हार्डवेयर फेल हो तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता गाइस। सो इस ट्रबल शूटिंग की बेसिक स्टेप होती है, किसी भी कंप्यूटर को अगर आप ट्रबल शूट कर रहे हो तो इन स्टेप को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहले कोई भी अगर कंप्यूटर प्रॉब्लम दे रहा हो गाइस, तो सबसे पहले आपका बेसिक टारगेट होना चाहिए कि एग्जैक्टली एरर क्या आ रहा है, क्योंकि एरर के डिपेंड्स पे हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट किस सेक्टर में प्रॉब्लम है। आइदर ये प्रॉब्लम हार्डवेयर में नेटवर्किंग में है या फिर ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको अगर प्रॉब्लम फाइंडिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है यानी एग्जैक्ट आपको डिटेक्ट नहीं हो रहा है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे, सो मे बी यहाँ पे डिफिकल्टी होती है ट्रबल शूटिंग्स के लिए। तो बहुत सारी ट्रबल शूटिंग्स टाइम क्यों लेती है, क्योंकि हम आइसोलेट नहीं कर पाते एग्जैक्टली इशू किस चीज़ में है। सो कंप्यूटर की ट्रबल शूटिंग के लिए हमें सबसे पहले एरर पे ध्यान देना होगा हमेशा। कोई भी एरर को जब तक आप एनालाइज नहीं कर पाते तब तक आप उसके सॉल्यूशंस तक जा ही नहीं सकते गाइस। तो फर्स्ट थिंग्स आपको बेसिकली तीन चीज़ों पे फोकस करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग। और उसके बाद अगर किसी भी कंप्यूटर का अगर आपको बेसिकली ट्रबल शूटिंग करना है तो आपको पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहा है कि हार्ड डिस्क इज़ नॉट डिटेक्टिंग, या फिर रैम इशू का कुछ एरर आ रहा है सामने, या फिर कुछ ऐसा अननोन्स एरर आ रहा है, तो उस एरर के अकॉर्डिंग आप ट्रबल शूटिंग्स कर सकते हैं। अभी ट्रबल शूटिंग के लिए बेसिकली एक्सपीरियंस होना बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे बोल के आपको ट्रबल शूटिंग नहीं सिखाई जा सकती। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक वे बताऊँगा स्टैंडर्ड वे जिस वे से आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रबल शूट करना है। इधर आपका अगर मदरबोर्ड में कुछ इश्यू है तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि दिस इशू इज बिलोंग टू मदरबोर्ड, तो आपको पहले फाइंड आउट करना होगा एग्जैक्टली इशू कहाँ पे। अगर कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है तो उसके ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले पावर सप्लाई चेक करना पड़ सकता है, उसके बाद आपको SMPS चेक करना पड़ सकता है, SMPS के बाद मदरबोर्ड को जितने भी कनेक्शंस आते हैं वो कनेक्शंस चेक करने, उसके बाद मदरबोर्ड चेक करने। और यहाँ पर कनेक्शंस तक अगर आपका पावर सही तरीके से आ रहा है, मदरबोर्ड एक्टिवेट हो रहा है यानी मदरबोर्ड को पावर मिल रही है, फिर भी मदरबोर्ड ऑन नहीं हो पा रहा है, सो इन दैट केस आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर सब ट्रबल शूटिंग हमने पहले चेक की है। सो यही एक स्टैंडर्ड वे होता है जब कोई भी कभी भी किसी भी तरीके से आप ट्रबल शूट करना चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स, तो पहले आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, उसके बाद ट्रबल शूटिंग स्टेप पे फोकस करना है, और फाइनली आपको उसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा गाइस। तो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। कुछ क्वेरी कमेंट डाउट्स और रिगार्डिंग सेम तो आप बेशक से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।